पार्टी को मजबूर करेंगे कि जहां पे आरएसएस और भाजपा जो है संविधान के सारी संवैधानिक संस्थाओं पे हमला कर रही है, उसको बर्बाद कर रही है, वहां पे बगैर साहब ने संविधान के पक्ष में खड़ा होकर संविधान संगत काम किया है। ये विमर्श पूरे देश में चल रहा है। साथियों, हम लोग लगातार जय बिरसा, जय फूले, जय साहू जी, जय भीम, लगातार जय पेरियार, जय काशीराम नारा लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस श्रृंखला में एक नाम और बढ़ गया। और एक बात जो अनिल जी कह रहे थे, सिर्फ एक दो बात कहते मैं बात खत्म करूंगा, कि जो समाज जिंदा रहता है वही अपना हक पाता है, एक जो समाज जिंदा रहता है वही अपना हक सुरक्षित रहता है। लीडर्स बघेल साहब हो, शरद जी हो, इन्होंने लड़के जो काम किया, ये आगे घर जा जाकर आपको नहीं पहुंचाएंगे, आपको लड़के सड़क पे लड़के अपने संवैधानिक हकों को लेना पड़ेगा, नहीं तो साजिश से क्या क्या लीलाएं होती है हम सब जानते हैं। तो अपने लीडर के साथ भी खड़े रहिए, एक आवाज पर आपको खड़े रहना। साथियों, एक और बात, आज बड़े सीनियर लीडर्स हमारे बीच में, शरद जी हैं, दुनिया साहब हैं, गौतम साहब हैं, नेपाल से विश्वेश्वर जी आए हैं, फॉरवर्ड कैबिनेट मिनिस्टर। एक आखिरी बात आग्रह मैं इस मंच के माध्यम से करना चाहता हूँ, रिजर्वेशन 72% लागू हो गया, हमारे बहुत सारे कर्मचारी लोगों को नौकरियां मिलेंगी, जाहिर है मिलेगी तो अपना कल्याण भी होगा और थोड़ा बहुत उसमें से निकाल के समाज का कल्याण भी वो करेंगे। पहले तो कर्मचारी संघ बनाएंगे, कल्याण संघ बनाएंगे, तो पहले अपना काम, कल्याण फिर समाज का कल्याण। लेकिन मुझे लगता है समय आ गया है बघेल साहब, शरद जी, कि देख लीजिए इस पूरे जमात में आपके जमात के कितने नौजवान स्मार्ट लड़के यहाँ पे आपको हिंदी अंग्रेजी बोलने वाले और दबंग इंटेलेक्चुअली दबंग लोग मिले, देख लीजिए। तो ये समय आ गया है कि आपको अब फ्यूचर जनरेशन के लीडर्स भी बनाने पड़ेंगे। वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से हर तरीके से वो संघर्ष बढ़ाए। हम रणभूमि बना हुआ है अंबेडकरवाद का, आडंबरवाद का, अंबेडकरवाद बना आडंबरवाद, क्यों? क्योंकि वहां से नई वैचारिक ही आ रही है। पेरियार साहब, फुले साहब, बाबा साहब, तमाम आइकन्स पर चर्चा हो रही है, इसलिए आपकी भावी पीढ़ी को तंग किया जा रहा है। और जाहिर है जो रोस्टर आया था, जन्म रोस्टर जिसको हम कहते हैं, अगर हम लोग सड़क पे नहीं निकले होते और आप लोग का समर्थन नहीं मिला रहता, विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके बच्चों के लिए बंद हो गए रहते। तो आखिर में बस आज हम आपको सुनना चाहेंगे, आपका शुक्रिया और आप तमाम साथियों का शुक्रिया। संविधान बचाओ संघर्ष समिति एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग आपस में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके इसको चलाते हैं, और वैसे जब जब भी हमें लगता है कि संविधान पे हमला हो रहा है, अपना काम छोड़कर उसी में समय निकालकर 10-20 लोग इसको मोबिलाइज करते हैं। और आपको याद होगा कि 5 मार्च का भारत बंद इसी संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने कौन किया था, शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।